गणपतीचं व्यवस्थित चांगलं आरास आराधना व्यवस्थित करत असते. गणपती देव ईश्वर का प्रतिष्ठान मानताय. अच्छा, गणपती ईश्वर का प्रतिष्ठान मानताय. आप सभी को जानकी रावत का पहले प्रणाम और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानकी रावत व्लॉग में. और आज की व्लॉगिंग जो है मेरी स्टार्ट हो रही है मीना के घर से. हम लोग जा रहे हैं गणेश चतुर्थी में. और जैसा कि आप लोग मेरे व्लॉग में पिछले वाला जो व्लॉग देखा था आपने, आपको पता है कि पिथौरागढ़ में जो है गणेश महोत्सव का काफ़ी धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है. और आज जो है ना, कल तो भंडारा था, आज जो है गणपति जी का विसर्जन है. और जस्ट हमारी कॉलोनी में ही है, टकाना खनका कॉलोनी में, टकाना लाइन में है. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजू भैया और एक नाम और बताया था मैंने, क्या नाम था रे दूसरा वो किलारी, एक राजू भैया थे, राकेश किलारी है शायद, ऐसे ही है. तो उन लोगों ने आयोजन किया है, बाल बना के इलायची खा रही हूँ, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं. और उसके बाद शाम को हम लोगों ने जाना है एक्चुअली, और एक्चुअली में भंडारा कल है, परसों होगा विसर्जन. तो मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहना. और आज हम लोग जा रहे हैं गणपति जी का विसर्जन करने के लिए. और देखिए किस तरीके से विसर्जन किया जाता है, खूब गुलाल के साथ उड़ाते हुए. मैं आज फर्स्ट बार देखूंगी और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, टीवी में देखा है, देखते यहाँ कैसा होता है. और जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, वो जो मूर्ति है ना, महाराष्ट्र से लाई गई है. तो देखिए, वैसे तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है त्यौहार, लेकिन हमारे पिथौरागढ़ में भी काफ़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहना और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. और नेटवर्क आएंगे तो मैं लाइव भी दिखाने की कोशिश करूंगी. तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं. जी, जिनका जिनका सहयोग हुआ है उनके लिए श्रीफल दे के वो करते हैं, मतलब शुभेच्छा देते हैं, सम्मानित करते हैं. टेंट हाउस वाले कहाँ गए, आइए. टेंट हाउस वाले यहाँ आइए. मतलब इनका गणपति महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान है. आपको वीडियो मैं दे दूंगी. हाँ, मैं दे दूंगी. ठीक ठीक. गणपति बाप्पा होरिया, मंगल मूर्ति होरिया. रुको जो मैं खींचू. ताली बजाओ, ताली बजाओ बच्चों. ना रखो सही, ये भी रखना था. आई तो जाए भाई, अभी पकड़ ना, मैं डोड़ भाई लाने ऐसे करके तक रख दूंगा. हम तो वैसे ही मरा रहे हैं, मुझे पता नहीं था मैं घर से डोल पहन के आ जाता. गणपति बाप्पा मोरिया, ताली बजाओ मोरिया. इनको तो जानते ही सभी, इन्होंने अभी अभी समोसे खाए. वैसे ये गुप्ता समोसे से बहुत प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा हल्द्वानी दिल्ली विदेशों में भी इनका नाम है. फिर तभी तो इन्होंने सुबह ही सबको समोसे खिला दिए. एक विदेश भी लेके इनके समोसे लेके जाने का वो बस नहीं पाए. गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति होरिया. यह हमारे गणपति पापा जी, अभी ये जा रहे हैं, फिर अगले बरस फिर आएंगे. अच्छा, मुंह बदल
गणपति बाप्पा गोरिया मंगल मूर्ति गोरिया ताली बजा दो एक बार गणपति बाप्पा गोरिया मंगल मूर्ति गोरिया ये तो हमारे पड़ोसी हैं। और इन्हीं को भाग्यवान नारियल मिल रहा है वही तो गणेश जी के चरणों का। अरे क्या गोल्ड का रेट आना। गणपति बाप्पा गोरिया मंगल मूर्ति गोरिया। सर 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 राइट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर होने वाली है गणपति जी की आरती। गोद में ऐसे बना दूंगा। अच्छा ऐसे नहीं ला रहा। अब गोरिया यहाँ दे दो, यहाँ दे दो सीमा को। आरती को लगाया लगा तो दिया, नहीं लगाया। ओ माय गॉड। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा Thank you.
दोस्तों गणपति बप्पा जी के साथ हमारा साथ यहीं तक था, हम लोग यहीं पर तक छोड़ने आए। बाय बाय गणपति बप्पा, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और दोस्तों जो है गणपति बप्पा को जो है हम गुप्ता तिराहा तक छोड़ के आए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। और यह आंटी इन्हीं के बेटे ने दो लोगों का नाम बोला था मैंने, एक राजू भैया और एक राहुल खिलाड़ी ना, तो उनकी मम्मा है, तीन बेटे हैं, राहुल खिलाड़ी, सिरदर खिलाड़ी यानी हर्षवर्धन। और आप महाराष्ट्र से हो ना, तो कुछ बोलिए महाराष्ट्र में। पहले तो आपको गणपति महोत्सव की ये गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और गणपति बप्पा जो है आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, और हर साल आप ऐसे ही आयोजित करते रहे और हम लोग यहाँ आते रहे और खूब धूम मचाए। ठीक है, तो कुछ मराठी में बोलिए, कुछ मराठी में बोलो। आम्ही गणपतीच व्यवस्थित चांगलं आराधना व्यवस्थित करत असते। गणपती देव ईश्वर का प्रतिष्ठान मानता है। अच्छा, गणपती ईश्वर का प्रतिष्ठान मानता है। अच्छा, ये बोला ना आपने मराठी में। ठीक ठीक, चलिए हमने तो खूब एंजॉय किया। यहाँ से आए हम लोग, यहीं से आए हैं, यहाँ उसका बेटे को बुलाया था ना, तो कहाँ से आए, तो अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी सुनसानी होगी। अब शाम को हम लोगों ने जाना है चोली, और कल वहाँ भी भंडारा है, तो लो खा रहे हो, खा लो। तो कितनी सुनसानी सी लग रही है, बहुत ही ज्यादा सुनसानी लग रही है। क्यों जा रहे हो? ये दोस्तों यहाँ पर कल तक हमारे गणपति जी विराजमान थे, अब अगले साल आएंगे गणपति जी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जाते हैं घर को और करते हैं व्लॉग यहीं पर एंड, और देख सकते हैं कितना एंजॉय करके आए हैं हम, है कि नहीं? तो बहुत सुनसानी जैसी लग रही है, और एंजॉय किया हमने। हाँ, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर अभी नया नया है और मेरे चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल के दिन एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ। जय हो देवभूमि उत्तराखंड।